बाजार में आ गए हैं मंदिर। गुड मॉर्निंग गाइस, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मंगलवार का दिन है, सुबह का टाइम है, मैं उठी थी 6 बजे, अभी तो फिलहाल 6:30 हो गए हैं। करते करते मैंने पहले ब्रश किया, फिर मैंने 5 से 10 मिनट ज़्यादा नहीं किया, 10 मिनट ही मैंने किया था योगा जो मैं करती हूँ, और पानी पी के फिर मैं खड़ी हो गई थी, आ गई थी किचन में, क्योंकि नन्नू के लिए ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करना था। वैसे तो वो जल्दी आ जाता है, बट उनके स्कूल में लंच मैम ने बोल रखा कि लंच भेज दिया करो। अब छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कभी भूख लग जाए, है ना, तो लंच जाता ही है इसका, ज़्यादा नहीं है कि रोटी लेके जाता, ज़्यादा नहीं लेके जाता। अगर दो देती हूँ तो भाई बचा के ही आता है, या फिर वो डस्टबिन में फेंका था, या फिर किसी बच्चे को खिला के आ जाता है। मतलब घर लेके तो ऐसे आया ही नहीं, बच्चे बच्चे को खिलाया था, या फिर ना रास्ते में डॉग होता तो बोलते हैं कि मम्मा डॉग को खिला दे या काऊ को खिला दे, ऐसे ही करता है। तो मैं यहाँ पर गुनने लगी थी आटा, और साथ में मैंने रख दिया है पानी गर्म करने के लिए। कोसा कोसा सा करूँगी, क्योंकि मौसम ना मॉर्निंग का भी ठंडा हो गया है, मॉर्निंग और इवनिंग का। तो मैं नन्नू को ना अब गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ, ठंडे से नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कहीं ठंडे से नहाए उसको कोल्ड वगैरह ना हो जाए, इसलिए गुनगुने पानी से नहाता है। आटा गूंद लिया है, पानी गर्म हो गया है, और साथ साथ मैं जोड़ने लगी थी बर्तन। अभी नन्नू सो रहा है, अभी मैंने उसको उठाया नहीं, अभी जाऊँगी उसको उठाने के लिए। और यहाँ पर मैंने निकाली है नन्नू की स्कूल की ड्रेस, अंडरगारमेंट्स वगैरह निकाली हैं। प्रेस तो मैं दोनों एक साथ कर लेती हूँ और एक हैंग करके रख देती हूँ, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेस ही है। और यहाँ आ गई थी मैं नन्नू को उठाने के लिए, आज इसने बहुत नौटंकी करी, क्योंकि रात को ये बहुत लेट सोया था, 2:30 बजे ये सोया था, और मतलब ना 2:30 बजे तक के क्या कर रहा था मैं आपको बताती हूँ, रो रहा था भाई, रो रहा था मन ही मन। जैसे कोई अंदर रोता है ना, परेशान होता है इंसान, अंदर ही अंदर रोता है, बाहर आवाज़ मतलब धीरे धीरे से आती है करके, वैसे ही रो रहा था। और मैंने इससे पूछा भाई रो क्यों रहे हो, मैंने जबकि इसको मतलब इतने प्यार से हैंडल कर रहे थे ना, फिर भी इसको पापा की याद आई गई। और कहते हैं ना कि किसी ना किसी की कमी तो खलती रहती है, और वही चीज़ होगी, इसको इतनी ज़्यादा आ रही थी ना पापा की याद, पापा की याद में रो पड़ा ये। सीरियसली गाइस, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर मैं रिकॉर्ड करती ना आप खुद मुझे बोलते किसके पापा क्यों गए हैं, बट हमें नहीं पता था कि ये ऐसा रोएगा, क्योंकि बीच में हस्बैंड घर गए थे एक दिन के लिए, तो ये आराम से नॉर्मल था कि ठीक है पापा आए, ओके, मतलब ओके ओके था, बट मुझे नहीं पता था कि इस बार ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। तो बस ऐसी हुआ इसका, तो मॉर्निंग में तभी मैंने इसको लेट उठाया, और वैसे भी जल्दी उठ के करते हैं क्या, पापा होते तो पापा के साथ बक 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 करता रहता है, बातें बातें करता रहता है, और रेडीज़ के पापा करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, आज तो मुझे करना था। तो बस मैंने इसको पानी डाल के दे दिया, गिलास में पानी दे दिया, और बाल्टी में भी डाल दिया है, अपने आप नहाता है, मेरे से नहीं नहाता है। संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन नहा लेगा, स्कूल डेज में मेरे साथ तो बिल्कुल, मेरे से बिल्कुल भी नहीं नहाता, कहता मम्मा आप रगड़ रगड़ के नहलाते हो, इसलिए मेरे से नहीं नहाता। तो ये नहा के आ चुका है, मैंने इसका ब्रेकफास्ट बना दिया है, नमक अजवाइन काली मिर्च का मैंने इसका परौंठा बनाया, इसको बहुत अच्छा लगता है, आलू का भी ना ये अब इतने शौक से नहीं खाता जितना ये अजवाइन वाला शौक से खाता है। तो बस अब इसको रेडी कर लेते हैं फटाफट, और ब्रेकफास्ट में तो ये दूध बिस्किट ही लेने लगा है, परौंठा नहीं खाता है, अगर बना के दो ना एक या दो बाइट खाता, उसके ज़्यादा खाता ही नहीं, इसके नखरे स्टार्ट होते थे। तो हमने इसका स्टार्ट किया मॉर्निंग में, आधा गिलास दूध लेता है, दो बिस्किट लेता है, और साथ में कुछ आलमंड्स ले लेता है जो रात को भिगो के रखती हूँ, और उसमें भी ना इसके इतने नखरे हो जाते हैं, ये पूछो मत, इतनी मुश्किल से खिलाना पड़ता है इसको। तो बस इसके शूज़ कर दिए हैं पॉलिश, अभी इसको डालते हैं और इसको चलते हैं स्कूल छोड़ने। तो स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर अभी एक कोरियर आ गया था, एक्चुअली हमने मंगाई है अमेज़ोन की फायर स्टिक। फायर स्टिक क्या होता है बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता तो, अगर किसी का स्मार्ट टीवी नहीं होता है जिसका नॉर्मल एलईडी होती है, तो ये स्टिक वो काम करती है, स्मार्ट टीवी बनाती है टीवी को, ठीक है, हमारा जो टीवी है नॉर्मल वाला है एलईडी,
तो वो स्मार्ट नहीं है, तो इसलिए हमने स्टिक मंगाई है जिसमें हमारा यूट्यूब, हॉटस्टार, वूट, नेक्सप्लेक्स, मतलब जितने भी ये ऐप है ना ऑनलाइन वाले, तो ये सारे चल जाएंगे। तो हमने ये मंगाई है, 2,000 की पड़ी है। और जब हस्बैंड आएंगे तो टीवी लगाएंगे और फिर हम चला कर देखेंगे। फिर उसके बाद में नन्नू यूट्यूब अपना टीवी में देख लेगा, कार्टून वगैरह जो भी वो देखता है, और साथ साथ मैं भी अपने सीरियल वगैरह इसमें देख लूँगी। अभी तक तो मैं फ़ोन में देखती हूँ, और अभी तो मेरे बहुत कम हो गए हैं, मतलब टाइम ही नहीं लगता है देखने का, तो बहुत कम हो गया मेरे देखना। तो यहाँ पर मैं लग गई थी अपने काम पर, तो मैंने यहाँ पर बेडशीट को अच्छे से डस्ट आउट करके लगा दिया है, और अभी आ गई थी बाहर वाले कमरे में। मैंने सोचा चलो फटाफट काम कर लेते फिर पूजा करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना, वैसे तो नॉर्मल डेज में क्या होता है, पहले हम खाना खाते हैं फिर हम काम करते हैं, तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो ये लगता है कि पहले घर साफ हो तब माता रानी की पूजा करे तब मज़ा आता है ना। ऐसे कौन कौन करता है कमेंट करके बताना। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा लिया है, और यहाँ पर अभी मिंट नहीं लगाते, पहले फटाफट से हम पोछा लगा लेते Seen a हैं। lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. और आपने ये पानी वाली बॉटल देखी है, मतलब हस्बैंड संडे को गए थे, और आज जैसे कि मैं अभी एडिट कर रही हूँ, वीरवार हो गया, अभी तक इसमें से पानी फिनिश नहीं हुआ है। और पानी नहीं होता ना इसमें मिनट नहीं लगता, पानी ख़त्म हो जाता। मतलब मैं यही सोच रही, पानी नहीं होता ना, हमें पानी 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 पानी, पानी चिल्लाते रहते हैं, और अब पानी है तो ये बोला पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या ही चक्कर है। तो मैंने कर ली है पूजा, और ना मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे भजन चला के पूजा करना, बड़ा ही आनंद आता है। और ऐसे किस किस को आता है बताइएगा ज़रूर। अच्छा, मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। रोटी तो मैंने मॉर्निंग में ही बना ली जब नन्नू के लिए बनाई थी, और रात वाली पनीर की सब्ज़ी है वो मैंने ले ली है। चाय डन, चाय के बिना तो ब्रेकफास्ट अधूरा ही अधूरा है ना। तो बस यहाँ पर टाइम हो रहा है दिन का, और मैंने अब कर ली हैं कपड़े फोल्ड। अच्छा, स्कूल से लेकर आई ना, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि नन्नू उदास था, और मेरा उसका ना कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं करा। और आते आते उसने चॉकलेट ली, उसको मनाया, सब कुछ करा, तब जाकर थोड़ा सा उसने खाना वाना खाया, और वो उसको सुला दिया था मैंने। और यहाँ पर मैंने कपड़े भी सारे फोल्ड कर लिए, 3 दिन से कपड़े पड़े थे, मतलब कपड़े फोल्ड करने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना आलस आता था ना कपड़े देखकर। मतलब धुलवा लो, फोल्ड मत करवाओ, अगर छत से करके आ जाओ तो ओके है, नहीं नीचे आके तो काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने सूजी भिगो के रख दी थी 20 मिनट पहले, 20-30 मिनट पहले। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेड का सैंडविच, नन्नू को मैंने उठा दिया है क्योंकि थोड़ी देर बाद उसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, तो मैंने कहा कुछ खा लेगा वो। तो यहाँ पर सूजी में मैंने ये ऑरेगानो डाल दिया, नमक डाल दिया और काली मिर्च डाल दिया, और इसमें मैंने टमाटर और कैप्सिकम लिया है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इसकी रेसिपी अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही शेयर की थी, बट जो मेरे न्यू न्यू सब्सक्राइबर जो जुड़ रही है, हमारी फैमिली जुड़ रही है, तो उनके साथ भी मैं दोबारा से शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही हेल्दी सैंडविच है, अगर आपके बच्चे सैंडविच नहीं खाते ना तो ऐसे बना के ज़रूर देना। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हो, पहले मैंने चीज़ डाली थी जब बनाया था ना, जब पहले बनाया था, अभी मैंने चीज़ नहीं डाली है क्योंकि चीज़ ना बहुत ठंडी थी, तो मुझे था कि मैं फटाफट मैं बना लूँ, नहीं तो अगर नन्नू का भी तो मूड कर रहा है, उसके बाद मूड करे ना करे, बच्चों का वैसे भी कुछ नहीं पता। तो पहले मैंने सिंगल ब्रेड को बटर में सेक लिया है, फिर जिस पे सूजी लगाई थी ना उसको आगे पीछे पलट के सेक लिया है मैंने, बस ऐसे ही आपको सेकना है। अगर आपके पास ग्रिल वाला वो टोस्टर है तो आप उस पर भी बना सकते हो, अगर सैंडविच वाला है दूसरे वाला आप उस पर भी बना सकते हो, उसमें तो कट हो जाएगा, आपको कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो तवे पे बनाया, अगर आपको तवे पे बनाना है आप तवे पे बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है, ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर केचप के साथ ले लिया है हमने। I've seen a lot of change. तो टाइम हो गया है 7:30, और मैं जा रही हूँ अब नन्नू को ट्यूशन से लेने, टाइम हो गया उसका, आज पता नहीं क्या हो रहा है, सर में ना बहुत दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं उसको लेने के लिए, रास्ते में मेरे को फूल भी लेने हैं, माला लेनी है, ऐसे उठा लेती हूँ।
Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be. तो मैं ना नन्नू को ट्यूशन से लेकर ही आई थी। इतने मैंने देखा कि नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे है ना उनकी जो भाभी है उनकी सिस्टर है ये और उनका बेटा है तो वो मंदिर जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला चलो मैं भी चलती हूँ। मैं ना अकेले के चक्कर में नहीं आ रही क्योंकि अकेले थोड़ा सा ना मुझे रहता है कि मतलब डर सा लगता है मेरे को, सही बताऊँ तो अकेले में। तो इसलिए मैं नन्नू को नहीं लेकर आ रही थी। तो अभी वो आ रही थी तो मैंने सोचा चलो अब लेके चलते, थोड़ा सा इसका मूड भी ठीक हो जाएगा। और ये नीचे वाली भाभी का बेटा है तो वो ना इसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि हाथ पकड़ वाले मेरा हाथ पकड़ के चलते। नहीं, बस इस लड़के को अकेले चलना है, हाथ पकड़ के नहीं चलना। ये देखो मतलब कंटिन्यूस का हाथ छुड़वा रहा है, कह रहा है नहीं मुझे नहीं पकड़ना, देख रहे हो आप इसको। ये देखो और इसने प्रसाद भी गिरा दिया था। तो चलिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए। हम आ गए हैं अंदर और यहाँ पर ना डेली हवन होता है और कीर्तन होता है, जागरण होता है रात को और भंडारा भी होता है। और नन्नू को करना था भंडारा तो हम सारे बैठ गए थे भंडारा लंगर खाने। और इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि हम यहाँ पर लेट हो गए थे, रात के 10 बज गए थे यहीं पर हमें। तो चलो गाइस यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।